श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में सांसारिक मोह माया एवं भौतिकता को छोड़कर संयम पथ पर अग्रसर होने वाली पांच मुमुक्षु बहनों की भव्य शोभा यात्रा एवं अभिनंदन समारोह सभी जैन श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में मंगलवार चौराहा पर आयोजित हुआ। संघ अध्यक्ष श्री विजय ओस्तवाल ने बताया कि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राज जी मसा की विशेष आज्ञा से 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महाश्रमणी रत्ना श्री प्रभावती जी मसा के मुखारविंद के संयम पथ को स्वीकार करने वाली मुमुक्षु बहन सुश्री मुस्कान बागमार रायपुर, सुश्री मनीषा जैन सांकरा नगरी छत्तीसगढ़ एवं अन्य मुमुक्षु बहन सुश्री नेहा लोडा बिहार, सुश्री निशा कोठारी नागौर, सुश्री आंचल धम्मानी विजयनगर की भव्य शोभा यात्रा पोषदशाला से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होकर ओस्तवाल वाटिका में पहुंचकर संपन्न हुई। मुमुक्षु बहनों का मंगलवार में पदार्पण होने से संपूर्ण संघ में खुशियां व्याप्त हो गई। स्थानीय वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा सभी मुमुक्षु बहनों का शाला माला मोमेंटो एवं अभिनंदन पत्र द्वारा स्वागत अभिनंदन कर बहुमान किया गया। शोभा यात्रा की व्यवस्था युवा संघ द्वारा की गई, साथ ही बालिका मंडल और महिला मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन कर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विजयनगर, किशनगढ़, भदेसर, भातसोड़ा, बानसेन, आवरी माताजी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा आदि अन्य जिलों के संघों से श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। बहुत मुश्किल होता है संसारिक मोह माया को छोड़कर दीक्षा संयम पथ पर बढ़ना। आज हमारे छोटे से निवेदन पर पांचों दीक्षार्थी बहन मंगलवार पधार रहे हैं, हमारे संघ का बहुत सौभाग्य है और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर यहां पधारे हैं। बहुत मुश्किल काम है संयम पथ पर बढ़ना। पूरा संघ आज उत्साहित है, पूरे संघ में खुशियां छाई हुई है कि ऐसे दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन करने का, अनुमोदना करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, निर्णय इतना बड़ा कठोर जिसे वैराग्य उत्पन्न होना, इस मामले को लेकर क्या कहना? ये बहुत बड़ी पुण्यवानी होती है कि वैराग्य उत्पन्न होता है। ये विरले जो विरले होते हैं, शूरवीर आत्मा होती है, वही इस पथ पर बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा गुरु भगवंतों का सानिध्य, गुरु भगवंतों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है तो निश्चित ही वैराग्य का बंध होता है और दीक्षा की तरफ बढ़ने के भाव पैदा होते हैं। आज की दुनिया काफ़ी सोच रख के आगे बढ़ रही है, परिवार को छोड़ के इतना बड़ा कठोर निर्णय लेना एक बहुत टिपिकल बात है, क्या कहोगे? सर, इससे आज दुनिया चकाचौंध है, मोबाइल का युग है, इससे स्वयं को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम दीक्षा नहीं ले सकते लेकिन कुछ न कुछ छोड़कर अनुमोदना करनी चाहिए। जैसे जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, समाई कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, वो तप के माध्यम से भी दीक्षार्थी बहनों की अनुमोदना करनी चाहिए, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। कब लेंगे, किसके सानिध्य में दीक्षा लेंगे? ये आचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब हैं, उनके सानिध्य में इनकी दीक्षा है। दो मुमुक्षु बहनों की दीक्षा 28 तारीख को होने जा रही है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और बाकी की दीक्षा बहुत ही जल्दी गुरुदेव घोषणा करेंगे, उसके हिसाब से होगी। ऐसा विजय ओसवालों में वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अध्यक्ष मंगलवार का। बस मुझे तो सिर्फ 28 नवंबर का ही इंतजार है इस सब चीज से। सिर्फ ये जिन शासन की प्रभावना, इससे अभी हम ऐसे आभूषण और गहने पहने हुए, ये वस्त्र पहने हुए ताकि जिन शासन की प्रभावना हो, ये इसलिए बरगोड़ा निकाला जाता है ताकि लोग देख के, साधु साधु हमको देख करके उनके भावों में भी कुछ तो आए कि हाँ, जब ये छोड़ सकते हैं संसार तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। परिवार का क्या होगा? परिवार तो अनंत, हम अनंत भाव से चलते आ रहे हैं। अब कितने भाव कर लिए हमारे माता पिता, कितने कर लिए, तो इस माता पिता की तो हमारे उपकार जो हमें आज हमें आज्ञा दी है, तो ये हमारा उनके प्रति बहुत बहुत उपकार है कि हमारे माता पिता ने आज हमें दीक्षा की आज्ञा दे दी। अगर वो नहीं होती तो आज हम इस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते। तो माता पिता के लिए तो हम बहुत बहुत उपकारी है, और वो ऋण कैसे चुकाएंगे ये मुझे भी नहीं पता। ये दीक्षा किन के सानिध्य में ली जा रही है? मैं आचार्य श्री विजय राज जी मारसा की संसार पक्षी बहन महाश्रमणी रत्ना श्री प्रभावती जी मारसा के सानिध्य में 28 नवंबर रायपुर में मारसा श्री मुझे दीक्षा प्रदान करेंगे। आपका सर नाम क्या है? मुस्कान बागमार। संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, वो कुछ समय के बाद नष्ट हो ही जाती है। खुशी भी थोड़े समय के लिए आती है और कुछ समय बाद दुख आ ही जाती है। संसार में कोई भी चीज़ स्थिर, मतलब परमानेंट सुख तो है ही नहीं,
परिवार का क्या होगा सर, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है। आपका शुभ नाम? मनीषा।